हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, हमारा मित्र बहुत दिन से मुझे ये बात पूछ रहे कमेंट्स करके, 1 रुपया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील डेफिनेटिव सिक्काओं में, स्पेशली क्रिमनिका मिंट से हमको 4 साल 1 रुपया सिक्का हमको मिंट हुआ है, और ये 4 साल में मिंट किया हर एक साल का सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट्स कितना तक रहता है, ये जानकारी देने के लिए मुझे बहुत बार कमेंट्स रख के पूछा है। इसलिए इस वीडियो में मैं क्रिमनिका मिंट से जारी किया गया 1 रुपया डेफिनेटिव फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्काओं का कंप्लीट जानकारी के साथ वर्तमान मार्केट एस्टिमेट वैल्यूज भी देता हूँ। दोस्तों, हमारा चैनल कूल कंटेंट बॉक्स किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं, बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल नाम पे आप लोगों से किसी माध्यम से भी कॉन्टैक्ट करके आप लोगों से आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका पैसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना कहने पर भी ना सुन के देने से आप ही जिम्मेदार है। और हमारा चैनल का कुछ भी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट नहीं दोस्तों, सिर्फ मैं व्यूअर्स को, कलेक्टर्स को हेल्प करने के लिए, जानकारी देने के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। दोस्तों, ये सीरीज का 1 रुपया डेफिनेटिव फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का हमको भारत में 1992 से हमको 2004 तक हमको मिंट किया गया। अलग अलग साल में अलग अलग मिंट से हमको मिंट किया गया। स्पेशली ये सिक्का हमको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी किया गया। 4.85 ग्राम्स का वजन रहता है ये सिक्का और 25 मिलीमीटर का साइज रहता है डायमीटर, और कुछ साल मिलनेट से और कुछ साल प्लेनेट से आया। ये सिक्का का बेसिक स्पेसिफिकेशन है। ये पर्टिकुलर सिक्का स्पेशली क्रिमनिका मिंट से हमको ईयर 1998, 1999, 2000 और 2001, ये 4 ईयर्स में हमको ये सिक्का, स्पेशली ये 1 रुपया डेफिनेटिव सिक्का हमको क्रिमनिका मिंट से, विदेशी मिंट से हमको मिंट किया गया। कभी कभी भारत सरकार क्या करता है कि सिक्का मिंट करने के समय में हमको एक सिक्का मिंट करने के लिए मिंटिंग कॉस्ट रहता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, 1 रुपये सिक्का हमको मिंट करने के लिए 60 पैसा भारत में होता, तो विदेश में मिंट करने से हमको हो सकता है 40 पैसे में भी हो जाता है, ऐसे भी होता है। तब हमको ये सिक्का विदेशी मिंट से हमको मिंट करता रहता है हमेशा। अब ये सिक्का का मिंट मार्क हम जूम करके देखने से इंग्लिश लेटर्स MK, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकता है हमको ऐसा नजर आता है जूम करके देखने से। नॉर्मल ऐसे हमको ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा गोल्ड डॉट में कुछ है जैसा हमको लगता है ये विदेशी मिंट का मिंट मार्क। ये विदेशी मिंट से जारी किया गया 1 रुपया डेफिनेटिव सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट हम देखा तो ये क्रिमनिका मिंट से हमको 1998, 1999, 2000, 2001 ऐसा 4 अलग अलग ईयर्स में हमको मिंट किया गया सिक्का। पर ये सिक्का विदेशी मिंट से जारी करने से भी ये सिक्का का मिंटिंग वॉल्यूम, मतलब सिक्काओं का मिंट किया गया सिक्काओं का संख्या अधिक होने की वजह से ये सिक्का के स्केयर्स तक भी नहीं दोस्तों कॉमन कैटेगरी में आता है। कुछ भी साल का ये क्रिमनिका मिंट का 1 रुपये डेफिनेटिव सिक्का हमको वर्तमान UNC कंडीशन में आपके पास है तो वैल्यू एस्टिमेट 12 रुपये तक रहता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। पर एक खास बात पड़ा है दोस्तों, ये फॉरेन मिंट से आया सिक्काओं में एरर्स बहुत कम मिलता है, एट द सेम टाइम बहुत कीमती है दोस्तों।